सो गाइज, लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट फॉर ईबीसी स्कॉलरशिप, कैसे अप्लाई करना है, ईबीसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। सो अभी आप सबके एडमिशन हो चुके होंगे या फिर होने वाले हैं। राउंड वन अभी डिक्लेयर हो चुका है, राउंड टू में हो सकते हैं या फिर राउंड थ्री में हो सकते हैं। सो गाइज, जब भी आप एडमिशन देने जाओगे तो उनको बोलना कि मुझे ईबीसी में अप्लाई करना है। सो आपको एट अ टाइम जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपको ईबीसी की पे करनी है फीस, मतलब ईबीसी की जो 50% रिड्यूस फी होती है वही आपको पे करनी है। और पेमेंट कैसे होता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होता है। जैसे कॉलेज में बताया जाएगा आपको कि आपको फीस पेमेंट किस तरीके से करना है। डिमांड ड्राफ्ट में यूजुअली होता है पेमेंट, और डिमांड ड्राफ्ट आप 50% फेयर डिस्काउंट के साथ ही करना, ये याद रखना। मतलब कुछ बार क्या करते हैं, बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो लोग फुल फी पेमेंट कर देते हैं। फुल फी पेमेंट भी कर दिया तो टेंशन की बात नहीं है, बट आपको 6 मंथ के बाद रिफंड आता है, वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में आएगा। 6 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट, उसके 8 महीने बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट। सो बहुत टाइम लेता है वो प्रोसेस। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अब जब भी कॉलेज में जाओ एडमिशन कंफर्म करने को, तब भी आप 50% रिड्यूस का ही डिमांड ड्राफ्ट रखना। उनको बोलना मुझे ईबीसी में अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, वो डॉक्यूमेंट्स के सेट ले जाना, उनको सबमिट कर देना। हाँ, ये हुआ मतलब कॉलेज में एडमिशन के वक्त की बात। अभी एडमिशन के बाद की भी एक प्रोसेस होती है। आपने जैसे एडमिशन ले लिया, एडमिशन कंफर्म होने के बाद, कॉलेज शुरू होने के बाद 1 महीने बाद कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपको महाडीबीटी की वेबसाइट पर जाके ईबीसी का फॉर्म भरना है। सो ये फॉर्म आपको कॉलेज के एडमिशन के बाद होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया हमें को जल्दी फॉर्म भरना है, हम अभी से भर देते हैं। अभी रुको, अभी आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन के 1 महीने बाद कॉलेज का नोटिस आएगा कि जिन जिन बच्चों ने ईबीसी में अप्लाई किया है, काइंडली वो महाडीबीटी में जाके अपना फॉर्म भर दो, तब फॉर्म भरना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, जल्दबाजी में हमेशा गलत काम होते हैं। सो मिस्टेक मत करना, कॉलेज इन्फॉर्म करेगा तब भी आपको ईबीसी का फॉर्म भरना है। वेबसाइट मैंने बता दी, महाडीबीटी की वेबसाइट होती है, वहां पे जाके फॉर्म भरना होता है ईबीसी का। और अच्छे से फॉर्म भरना, फॉर्म फिलिंग मैं आपको खुद से करवाऊंगा, अभी मेरा भी सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना आएगा। सो जैसे मेरा फॉर्म भरना आ जाएगा, मैं उसको लाइव रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए कि फॉर्म भरते कैसे हैं। सो वैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था, और वैसे ही अब सेकेंड ईयर का भरूंगा। सो मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको ईबीसी का फॉर्म भरना है। सो चैनल पे बने रहना, और पूरा मैं आपको लाइव समझा दूंगा एक बार कि किस तरीके से फॉर्म भरना है महाडीबीटी की वेबसाइट पे। सो गाइस, यही था कैसे अप्लाई करना है, मैंने बता दिया। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी आप एडमिशन लेने जाओगे कैप टू में या फिर कैप थ्री में, तो आप वहां पे डिमांड ड्राफ्ट 50% रिड्यूस्ड फी का ही देना। वो लोग बोलेंगे फुल फी पेमेंट करो, उनको बोलना मुझे ईबीसी में अप्लाई करना है, आपको बोलना पड़ेगा, उनको बोलना ईबीसी में अप्लाई करना है। सो ईबीसी की क्या फीस है, सो वही फीस आपको सबमिट करनी है। और कुछ कॉलेजेस अलाउ नहीं करेंगे, तो वहां पे आपको फुल फी पेमेंट भी करना पड़ सकता है। प्रायरली एक बार कॉलेज से बात कर लेना अपने, मतलब डीजे सांगवे में ऐसा था कि डीजे सांगवे में वो लोग 50% रिड्यूस फी में एक्सेप्ट करते थे एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। सो गाइज, मैं डीजे का बता दिया, बाकी अपने जो भी कॉलेज आपको मिला है उससे एक बार बातचीत कर लेना। सो गाइज, यही था, और 50% ही फी भरना। बाकी महाडीबीटी का जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं खुद भी भरूंगा, और मैं लाइव रिकॉर्ड कर दूंगा आप सबके लिए किस तरीके से भरना है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और बेल आइकन दबा देना जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपको। सो गाइज, यही था ईबीसी के बारे में, पूरे 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। आपको कोई भी अगर डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम एक लाइव स्ट्रीम भी ले लेंगे ईबीसी के डाउट्स के लिए स्पेशल। जो भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा वो ईबीसी की लाइव स्ट्रीम में आ जाना, वहां पे डाउट्स पूछ लेना। बाकी इस वीडियो से आपको बहुत मेजरली सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। बाकी जो भी डाउट्स हो आप लाइव स्ट्रीम में पूछ लेना, और स्पेशली ईबीसी का ही हम लाइव स्ट्रीम लेंगे, और क्योंकि ईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है महाराष्ट्र। मतलब जिन भी बच्चों के पास पैसे नहीं होते वो ईबीसी में अप्लाई करो, बेनिफिट उठाओ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसे बांट रही है तो लो, उसका बेनिफिट उठाना है, और रिफंड आते हैं पैसे, मेरे को खुद को आए हैं। सो गाइस, बस यही है।